अमरोहा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाश गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा की पुलिस का हैरान कर देने वाला एनकाउंटर का मामला सामने आया है, जिसमें 10 दिन पहले हुए अपहरण के मामले में पुलिस ने अपहृत व्यक्ति को 10 दिन पहले बरामद कर लिया था। आरोपियों से मुठभेड़ 10 दिन बाद हुई है। फिलहाल अमरोहा पुलिस के इस दावे में कितनी सच्चाई है, यह देखने वाली बात होगी। बता दें कि अमरोहा देहात क्षेत्र के गांव कैलसा से बीती 11 अगस्त को झोला छाप डॉक्टर पंकज विश्वास का अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों के साथ आज अमरोहा देहात थाना पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद कमल नाम का एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके साथ ही एक पुलिस का सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक और अन्य बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया है। उसकी तलाश में कॉम्बिंग भी कराई गई है, पर कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश कमल कई मुकदमों में वांछित है और शातिर बदमाश बताया जा रहा है। उनके मुताबिक इनसे हुई शुरुआती पूछताछ में इन्होंने डॉक्टर के अपहरण की वारदात को अंजाम देने की पुष्टि की है। बाकी और घटनाओं की जानकारी के लिए पूछताछ की जाएगी। क्या प्रॉब्लम है जी? आज रात्रि में पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तो एक नाके पर इनको गाड़ी को रोकने का इशारा किया, जिस पर की गाड़ी ने बैरिकेडिंग फोड़ते हुए आगे बढ़ गई। पुलिस ने जब पीछा करके इनको रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पार्टी पर इन्होंने फायर किया। जवाबी कार्यवाही में एक अभियुक्त को गोली लगी है और एक पुलिस के सिपाही को भी गोली लगी है। दोनों को चिकित्सालय लाए गए हैं, इलाज करवाया जा रहा है। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। शुरुआती पूछताछ में जो घायल अभियुक्त है उसने अपना नाम कमल बताया है और इसमें ये अभियुक्त जो है इसके कई बार जेल जा चुका है, 5 से 11 बार जेल गया है और इसके ऊपर तकरीबन 16 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जो कि मुरादाबाद, संभल, रामपुर और अमरोहा के हैं। नहीं, हमारे एक अपहरण के मामले में भी ये वांछित चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस को थी। इससे पूछताछ की जा रही है। इसका एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। एक साथी इनका फरार है, जिसके लिए अभी कॉम्बिंग की जा रही है पुलिस टीम द्वारा और इसमें आगे पूछताछ के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एक सर, डॉक्टर का जो 11 अगस्त को जो हुआ था सर? हाँ जी, जो 11 अगस्त को एक व्यक्ति का अपहरण हुआ था उसमें इस व्यक्ति की हमको तलाश थी, सबूत थी और आज ये पकड़ा गया है। इसमें इनकी और इनके वाहन की, इनके साथियों की सबकी जान जी। आज के घटनाक्रम में दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से एक घायल है और एक ठीक है, पुलिस की हिरासत में है। उससे पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी तथ्य बताए जाएंगे उसके द्वारा उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, कोई सर कोई कॉम्बिंग की गई, कोई साथी इनका फरार? एक साथी इनका फरार हुआ है और उसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है, पुलिस लगी है अभी तैयार जारी है। तो क्या क्या बरामद किया गया सर? ये इन दोनों से तमंचे बरामद हुए हैं और खाली खो के कारतूस घटनास्थल पर हैं। एक वाहन बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है